कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज हम पढ़ेंगे इसमें से एक सब्जेक्ट, फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट, राइट टू इक्वेलिटी, आर्टिकल 14 to 18। सेकंड, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22। थर्ड, राइट अगेंस्ट दी एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 to 24। फोर्थ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। फिफ्थ, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 to 30। सिक्स्थ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, आर्टिकल 32। अब हम इसमें ज़रा डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको। फर्स्ट, राइट टू इक्वेलिटी, आर्टिकल 14 to 18। आर्टिकल 14, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वेलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इक्वेलिटी बिफोर लॉ, जो स्टेट है वो किसी पर्सन को इक्वलिटी रखना ज़रूरी है और वो किसी को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता और उसको हर किसी को प्रोटेक्शन देना है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मीन्स हर व्यक्ति, इंडियन जो सिटीज़न होता है वो इक्वल होता है। अब इसके बाद आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। कोई भी स्टेट आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। जैसे आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो या किसी भी रेस को, कास्ट को, किसी भी कास्ट में हो आप, सेक्स मीन्स मेल हो या फीमेल हो, और प्लेस ऑफ बर्थ आप, या कहीं भी आपकी इंडियन टेरिटरी, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया में कहीं भी आपका बर्थ हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन कोई स्टेट आपके साथ नहीं कर सकता। आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन द मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और एनी अपॉइंटमेंट्स, नो स्टेट शैल बी रिफ्यूज ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और द प्लेस ऑफ बर्थ। आपको कोई भी स्टेट रिफ्यूज़ नहीं कर सकता किसी भी एम्प्लॉयमेंट्स में, किसी भी रेस, कास्ट, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। आप कोई भी एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर सकते हैं, आपको कोई भी स्टेट इसमें रिफ्यूज़ नहीं करेगा। आपने किसी भी स्टेट से एजुकेशन प्राप्त किया हो, आपको कोई भी स्टेट रिफ्यूज़ नहीं करेगा। आपके क्वालिफिकेशन बेस के आधार पे आप किसी भी एम्प्लॉयमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो और एजुकेशनल बेसिस पे आप अपना क्वालिफिकेशन के बेस पे आप प्राप्त कर सकते हैं। आर्टिकल 17, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी दिया हुआ है। अनटचेबिलिटी मीन्स क्या, जो आप पुराने ज़माने में, पुराने टाइम में देखते थे कि भाई कोई भी ऊंची जात का, नीची जात का जो व्यक्ति होता था तो वो एक दूसरे से डिफरेंस में रहते थे कि भाई वो कोई पानी वगैरह अगर कोई पीना चाह रहा तो कोई ऊंची जात वाला जहाँ से पानी पीता है वो छोटी जात वाला वहाँ से पानी नहीं पी सकता था, या मंदिर में कभी कोई प्रवेश हो या तो ऐसे धार्मिक संस्थान पे जो होते थे तो ऊंची जात वाले जो नीची जात वालों को उनको परमिशन नहीं देते थे। उसमें अनटचेबिलिटी जैसी भावना रखते थे कि भाई आप ये व्यक्ति को यहाँ प्रवेश, ये नीची जात का, इसको यहाँ प्रवेश मना है, या पानी के लिए या सार्वजनिक संस्थानों पर या कहीं खाने पर या किसी भोज पर, इसमें अनटचेबिलिटी जो किया करते थे पुराने ज़माने में, अब वो अबॉलिश किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको आर्टिकल 17 में अबॉलिश किया गया, इसको ख़त्म कर दिया गया। अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया जाता है तो उसको अपराध माना जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ। आर्टिकल 18, एबॉलिशन ऑफ टाइटल, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। सिटीजन ऑफ इंडिया जो होता है, जो भी नागरिक होता है इस देश का, उसको कोई भी विदेशी या कोई भी फॉरेन कंट्री उसको किसी तरह का टाइटल नहीं दे सकती। और अगर जो व्यक्ति इस देश का नागरिक नहीं है वो किसी तरीके का यहाँ इंस्टीट्यूशन यहाँ पे नहीं खोल सकता, कोई भी विदेशी नागरिक यहाँ पे इंस्टीट्यूशन या कोई भी ट्रस्ट या प्रॉफिट के लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं खोल सकता, कोई भी ऐसी संस्था नहीं खोल सकता विदाउट द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 19, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको, हर नागरिक को बोलने की आज़ादी और विचार व्यक्त करने की आज़ादी है इसमें। टू असेंबल पीसफुली बट विदाउट आर्म, आप कोई भी सभा ले सकते हो और उसमें पीसफुल होना चाहिए, और दूसरी बात उसमें आपको कोई आर्म्स एंड एम्यूनिशंस या किसी तरह से जो वेपन्स होते हैं उसको नहीं ले सकते, उसको नहीं रख सकते, ठीक है। सी है इसका, टू फॉर्म ऑफ एसोसिएशन एंड यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। हर किसी को, इंडिया के नागरिक को ये आज़ादी है कि वो एसोसिएशन फॉर्म कर सकता है, यूनियन फॉर्म कर सकता है और कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकता है, ठीक है। डी,
टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप जो देश का नागरिक है वो पूरे इंडिया में आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, किसी भी जगह जा सकते हो, कहीं भी मूव कर सकते हो, कहीं भी फिर सकते हो। आपको किसी तरह का कोई बंधन और कोई रुकावट नहीं है। जैसे कि आपको हर स्टेट आप जा सकते हो, कोई भी स्टेट, आंध्र, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, आप किसी भी स्टेट जा सकते हो। आप हर स्टेट में आपको कोई वीज़ा परमिट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप पूरा टोटल वन इंडिया वन नेशन, इस तरीके से आप हर नागरिक पूरे इंडिया में ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। ई, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी स्टेट का हो, वो किसी भी स्टेट में जाके वो रिसाइड कर सकता, रह सकता है और वहाँ पे बस सकता है। उसको कोई ये नहीं बोल सकता आप फला स्टेट से आप यहाँ नहीं रह सकते, ऐसा किसी स्टेट में बाइंडिंग नहीं है। इसे कोई भी स्टेट में आपको किसी भी तरह के वीज़ा परमिट, रेसिडेंशियल परमिट, ऐसा किसी चीज़ की परमिट की ज़रूरत नहीं होती है। आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। ओनली पर्सन कैन बी कन्विक्टेड व्हेन ही कमिटेड द ऑफेंस। अब आर्टिकल 20 में ये कहा गया है कि भाई अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरीके का ऑफेंस करता है तो ही उसको सजा मिलेगी, अगर कोई अगर ऑफेंस नहीं करता है तो उसको कोई सजा नहीं दे सकता, ठीक है, ये आर्टिकल 20 में है। उसका दूसरा है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूट एंड पनिशेबल फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। अब जैसे किसी व्यक्ति ने एक ऑफेंस किया है तो उसको आप एक ही बार पनिश कर सकते, उसको एक ऑफेंस में एक पनिशमेंट, उसमें आपको उसको डबल पनिशमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें तीसरा है, नो पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अब कोई व्यक्ति है कि भाई उसने ऑफेंस किया है या नहीं किया है, वो खुद के खिलाफ विटनेस नहीं बन सकता, वो खुद अपने आप को विटनेस नहीं बोल सकता है, ठीक है। ये प्रोटेक्शन करता है एक नागरिक को कि भाई कोई व्यक्ति आगे बोले कि भाई मैं ऐसा ऑफेंस किया, तो भाई उसमें खुद के लिए वो खुद विटनेस नहीं बन सकता है किसी चीज़ में, आर्टिकल 20 में, ओके। आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। भाई आपको जीने से कोई भी रोक नहीं सकता, आप अगर अपनी लाइफ लीड कर रहे हैं तो आपको कोई रुकावट नहीं डाल सकता कि आप ऐसा करो वैसा करो, मीन्स आपको मोल्ड नहीं कर सकता किसी तरह से, और आपको अपने तरीके से फ्रीडम है आपको लाइफ जीने का, आपको कोई डिप्राइव नहीं कर सकता, और सिर्फ अकॉर्डेंस ऑफ लॉ होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, मगर कोई आपको डिप्राइव नहीं कर सकता आपकी लाइफ में, कोई ऐसा रुकावटें पैदा नहीं कर सकता जैसे कि आपको कोई भी चीज़ करने से, पढ़ने से, या किसी भी चीज़ से आपको रुकावट नहीं डाल सकता। आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन। The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14. Article 21A में ये कहा गया है कि इस देश के हर बच्चे को 6 साल से लेके 14 वर्ष की आयु तक का free of education, उसमें किसी तरीके का पैसा नहीं लिया जाएगा। इस Article 22, protection against arrest and detention in certain cases, choice of legal practitioner, lawyer, advocate। आपको आर्टिकल 22 में प्रोटेक्शन दिया जाता है कि आपको जो अरेस्ट अगर कोई करने आता है, कोई पुलिस ऑफिसर्स आपको डिटेन करते हैं या किसी तरीके, आप अपने लॉयर को, एडवोकेट को कांटेक्ट कर सकते हैं और उसको अप्रोच कर सकते हैं आपके केस के रिगार्डिंग। एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ विद इन द 24 आवर्स एंड द नियरेस्ट प्लेस ऑफ द ऑफेंस। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी ऑफेंस में अरेस्ट किया जाता है तो उसको विद इन 24 आवर्स में कोर्ट में प्रोड्यूस करना होता है, और दूसरी बात किसी भी नियरेस्ट जहाँ प्लेस होता है उससे नियरेस्ट जो भी कोर्ट होता है उसमें प्रोड्यूस करना पड़ता है। आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। इसमें सिंपल सा है, आप पुराने ज़माने में देखे होंगे कि भाई ह्यूमन बींग्स को जो एज ए गुलाम या सर्वेंट्स ऐसे सोल्ड किया जाता था, वो अब नहीं होता है। अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया जाता है तो उसको लॉ के ऑफ अगेंस्ट माना जाएगा, और किसी भी लेबर को ज़बरदस्ती आप फोर्स नहीं कर सकते कि आप कोई भी कोई व्यक्ति है उसको फोर्स नहीं कर सकते किसी भी लेबर वर्क करने में या कोई भी ऐसा वर्क करने में जो वो नहीं करना चाह रहा। आर्टिकल 23 उसको प्रोटेक्शन देता है ऐसे नागरिक को। आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज और एक्स्ट्रा एनी अदर इंस्टीट्यूशंस बिलो द एज ऑफ 14। आर्टिकल 24 उन बच्चों को प्रोटेक्शन देता है जो बच्चे बिलो 14 ईयर्स है, उनको किसी भी तरीके का कोई वर्क करने पे मजबूर नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करता है कोई भी या कराता है इसे बच्चों को, तो उसे पनिशेबल होगा, वो लॉ के अपोज होगा और उसको स्टेट लॉ को फेस करना पड़ेगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन।
इसमें आर्टिकल 25 से 28 में रिलीजन के रिगार्डिंग कहा गया है। आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेंडा ऑफ रिलीजन। अगर आप किसी भी रिलीजन के प्रोफेशन में हो, जैसे कि आप कोई भी मंदिर के पुजारी हो या मॉक्स के कोई भी हो, मीन्स आप जो भी मिस रिलीजन को आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या रिलीजन में आप रहे, अब या उसको कोई रिलीजन का प्रोपोगंडा कर रहे हैं या आप रिलीजन को अपने 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 रिलीजन को आप जो भी प्रमोट कर रहे, तो ऐसा आर्टिकल आपको प्रोटेक्शन देता है। और दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 26, फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब जैसे कि भाई कोई भी रिलीजियस अफेयर्स होते हैं तो उसको उनके रिलीजन के लोग उसको मैनेज कर सकते, वो भी प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 27, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अगर आप किसी तरह के टैक्सेस या कोई भी चीज़ ऐसे आप देना चाहते किसी भी रिलीजन के इंस्टीट्यूट्स को, या पेमेंट करना चाहते, डोनेशन देना चाहते, या उनको किसी तरह की आप सहायता करना चाहते, तो आर्टिकल 27 आपको राइट देता है, आप ऐसा कर सकते हैं। अब रिलीजियस कार्य में आप जो भी देने का है या जो भी डोनेशन देना है, या आर्टिकल 28, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस ए रिलीजन इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अब आपको ये भी फ्रीडम दिया जाता है आर्टिकल 28 में कि भाई फ्रीडम है, आप किसी भी रिलीजियस सेरेमनीज को अटेंड कर सकते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शंस आपके जो प्रीस्ट होते हैं उसके इंस्ट्रक्शंस आप सुन सकते हैं, चाहे किसी भी रिलीजन का हो। हर एक रिलीजन को आपको एक दूसरे के जो रिलीजन होते हैं अपने अपने रिलीजन को इंस्ट्रक्शंस, उनके रिलीजियस लीडर्स जो होते हैं वो जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको लोग फॉलो कर सकते हैं। और रिलीजियस वर्शिप्स में आप रिलीजियस अपने प्लेसेस पे वर्शिप कर सकते हैं, और किसी भी तरह के इंस्टीट्यूशन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है वो खोल सकते, वो लोग अपने तरीके से वो लोग चला सकते, आर्टिकल 28 उसको प्रोटेक्शंस करता है। आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। इसमें ऐसा है कि भाई आप जो ये कंट्री है इसमें मेजोरिटी माइनॉरिटीज, कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है इसका, मगर किसी भी रिलीजन के जो भी माइनॉरिटीज होते हैं उनको एक आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन देता है इन केस ऑफ एजुकेशन और थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में। बाकी पर्टिकुलर इसका मेंशन नहीं है, पर इसमें प्रोटेक्शन देता है रिलीजन, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29। आर्टिकल 30, राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अब आर्टिकल 30 आपको ये राइट देता है कि भाई कोई भी माइनॉरिटीज कम्युनिटी से, कोई भी छोटी से छोटी कम्युनिटी या किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रही है कोई भी छोटी कम्युनिटी है, वो अपने लिए एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट अपने पर्टिकुलर रिलीजन्स के या किसी भी उनके जो रिलीजियस है वो उसके छोटे छोटे जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनके, वो अपने इंस्टीट्यूट फॉर्म कर सकते हैं। आर्टिकल 30 उसमें भी प्रोटेक्शन देता है कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 31, लॉ रिजर्व टू प्रोटेक्ट द इंडियन सिटीजन। आर्टिकल 31 में ये है कि भाई कुछ लॉ रिजर्व रखता है कॉन्स्टिट्यूशन जो कभी भी उसको बनाया जा सकता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। अब है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32, फाइल द रिट्स इन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इश्यू डायरेक्शन और ऑर्डर्स और रिट्स, हिबियस कॉर्पस, मैंडबस, प्रोहिबिशन एंड को वारंटो एंड सर्च्योरारी, ठीक है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट्स को पावर दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन ने कि भाई वो किसी भी तरह के जो जो स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे कोई स्टेट्स में नहीं डायरेक्ट आपको सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना है, ऐसे केसेस है जो हिबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्चुरारी एंड को वारंटो, ये रीड्स होते हैं, ये एक स्पेशल पावर्स होता है सुप्रीम कोर्ट्स के पास में जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, और जो इसको ये नागरिक को राइट है ये इस चीज़ को ये यूज़ कर सकता है। ये आर्टिकल 14 से 32 तक जो भी है ये पूरे तमाम फंडामेंटल राइट्स है, ये अपने संविधान में दिया गया है, इसको उर्दू में आईन बोलते हैं।